ओके, सो हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 cos³θ - cos θ अपॉन sin θ - 2 sin³θ इक्वल टू cot थीटा। सो ये काफी इजी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, सो इसको यहाँ पे चलो सॉल्व करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूव cos³θ - cos θ अपॉन sin θ - 2 sin³θ इज इक्वल टू cot θ। ओके, हमको ये प्रूफ करना है, हमको इस ये जो ये एल एच एस है उसको आर एच एस के हमको इक्वल लाना है, जो कि है cot θ। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है। सो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सो हम अब जो ये हमें जो एल एच एस है, एल एच एस को हम यहाँ लिखेंगे। ओके, सो एल एच एस क्या है हमारा, 2 cos³θ - cos θ। तो हम इसमें कॉस कॉमन ले सकते हैं, एक काम करते हैं हम कॉस यहाँ पे कॉमन लेते हैं cos θ। ओके, देन हम ब्रैकेट में अंदर लिख सकते हैं 2 cos² θ, क्योंकि क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा -1। ओके, ऊपर तो ये रह गया। अब जो नीचे है, नीचे रह जाएगा हम sin θ, अगर हमने कॉमन लिया sin θ तो नीचे रह जाएगा 1 - 2 sin²θ। ओके, सो ये कॉमन रह जाएगा। नाउ हम अगले स्टेप में लिखेंगे। अब देखो जो cos²θ हमारा, हमने जो ऊपर वाले उसमें लिया है, तो पहले तो cos θ वैसे ही लिखेंगे cos θ। अब cos²θ हम क्या लिख सकते हैं, हम cos²θ को क्या लिख सकते हैं, और 1 - sin²θ जो कि आइडेंटिटी है। सो हम जो cos²θ उसको हम लिख देंगे 1 - sin²θ। cos²θ को हमने 1 - sin²θ लिख दिया -1। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, वापस यहाँ पे लाइन खींच देता है अपॉन। अब ये वाला जो नीचे वाली टर्म है इसको हम सेम रह देते हैं, sin θ और 1 - 2 sin²θ, हम इस चीज को सेम रहने देंगे। ओके, नाउ अगले स्टेप में जो अगला हमारा स्टेप होगा उसमें वापस लिखो cos θ, एंड देन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाले ब्रैकेट से 1 - sin²θ से। सो 2 - 2 sin²θ -1 हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। ओके, ये अंदर वाले ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, -1 यहाँ पे बाहर आ गया। अब नीचे नीचे हम वापस से सेम रह देंगे sin θ, अब ब्रैकेट में 1 - 2 sin²θ। ओके, अब नाउ ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, अब हमारा 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो हमें करना था प्रूफ। अब cos θ वापस हमें देंगे ब्रैकेट में 2 - 1 कितना होता है, 1 ही होता है, 1 - अब ये ऐसा कैसा आ जाएगा 2 sin²θ अपॉन sin θ, अंदर यहाँ पे जो है 1 - 2 sin²θ। अब आप क्या देख, आपको एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, ये दोनों सेम है देखो ब्रैकेट में, 1 - 2 sin²θ और 1 - 2 sin²θ, तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, cos θ अपॉन sin θ, cos θ अपॉन sin θ हमारे पास बच जाएगा। तो cos θ अपॉन sin θ क्या होता है, cot θ ही तो होता है, क्योंकि देखो cos θ अपॉन sin θ इज इक्वल टू cot θ होता है। तो हम इसको इज इक्वल टू कॉट थीटा भी लिख सकते हैं एल एच एस को। तो एल एच एस आ गई है, और आर एच एस हमें जो करना था प्रूफ कॉट थीटा वो भी हमारे पास आ चुका है। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। तो यही था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अगर आपको समझ नहीं आया वापस पूरा देख सकते हैं वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।